वेलकम बैक ग्रैंडिया। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे गिम्बल के 7 to 10 प्रोफेशनल मूव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो प्रोफेशनल मूव कौन से हैं, आइए दोस्तों। फॉलो शॉट, सबसे पहला टेक ले रहे हैं हम फॉलो शॉट। 35mm 1.4 लेंस लगा है हमारे, अपर्चर है 1.8, तो आपने इनको फॉलो करना है लो एंगल रख के। रिवर्स फॉलो करेंगे, लो बेस फेस के ऊपर कैमरे का डायरेक्शन रहेगा, आपने रिवर्स फॉलो करना है इन्हें, लेंस हमारा वही रहेगा। साइड ट्रैक, इस शॉट का नाम है साइड ट्रैक। तो दोस्तों, आपने ट्रैक करना है उन्हें। और बीट शॉट कवर करना है कि जहां से मैं स्टार्ट हुआ पूरा एक राउंड लेंगे अपने सब्जेक्ट के आसपास, तो इसे हम ऑर्बिट शॉट कहेंगे। लो एंगल सारे कवर कर रहे हैं कि फेस के ऊपर हमारा जो डायरेक्शन रहेगा, मेन फोकस फेस के ऊपर रहेगा। देख सकते हैं कि लो बेस मैं कवर कर रहा हूँ, 35mm 1.4 लेंस यूज कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, मैं फेस रिवीलिंग शॉट लूंगा दोस्तों, कि पांव से बिल्कुल फेस को रिवील करूंगा। देख सकते हैं लेंस हमारा यहां पे 85mm 1.8 यूज हो रहा है, फेस रिवीलिंग शॉट करेंगे। रिवीलिंग शॉट करेंगे, रिवीलिंग मतलब सब्जेक्ट फ्रेम के अंदर नहीं होगा, बाद में एंटर करेंगे, ये रिवीलिंग शॉट है दोस्तों, पहले फेस रिवीलिंग था। फोकस शिफ्ट फोकस हम करेंगे कि पहले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लिया, मैनुअल बैक चला गया मैं, ये अब डी फोकस हो गया। अब क्या है, बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा जहां पे मैंने फोकस किया था। ओके, इसे हम फोकस शिफ्टिंग शॉट कहेंगे। शॉट ले सकते हैं आप मोनोपोड के जरिए या किसी स्टैंड के जरिए अपने रोनिन को लगा के, और भी इससे भी ज्यादा क्रिएटिव आप शॉट ले सकते हैं। कि वाइप ट्रांजिशन या फ्रेम ब्लॉकिंग शॉट भी कह सकते हैं इसे, आप इस शॉट को ले सकते हैं।
तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि गिम्बल के 7 to 10 मूव्स प्रोफेशनल कौन से हैं। आप इस तरह से मूव्स को लेके गिम्बल के मूव करके आप एक प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।